Hello students, in last lecture we had studied about the codominance and also the difference between complete dominance, then incomplete dominance and codominance. Okay, what is complete dominance, what is incomplete dominance and what is codominance with particular type of example. Okay, till we just studied that any gene means one gene or any gene have information to produce particular characteristics. Any gene has the in मतलब कि कोई भी जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी कि वो इंफॉर्मेशन के बेस के थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और वो जो प्रोडक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीन है कैपिटल टी एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉल प्लांट. देन वी कैन से दैट कैपिटल टी हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग दिस कैरेक्टर. क्लियर. सेम वे स्मॉल टी सेम वे small t have information to produce dwarf plants. Means this gene having information to produce particular this type of characteristics. Same way capital R gene having the information for producing red colored flowered plants. Clear. Same way small r for white colored flowered plants. Clear. Means particular gene having information for producing their specific characteristics. मतलब कि कोई भी जीन है उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो इंफॉर्मेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है. ये हमने अब तक जितनी भी थियोरी स्टडी की उसमें पढ़ा हुआ है कि एनी जीन और एनी पर्टिकुलर जीन हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. ओके, नाउ द टॉपिक ऑफ दिस थियोरी सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. क्लियर. अब तक हमने यही पढ़ा हुआ है कि पर्टिकुलर जीन हैविंग इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. मतलब कि एक जीन है उसके पास अपनी खुद की पर्टिकुलर इफेक्ट होती है. फिर जैसे कि कैपिटल टी है तो उसकी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि वो टॉल प्लांट को ही प्रोड्यूस कर सकता है. स्मॉल टी की अपनी खुद की इंफॉर्मेशन है कि उसके हिसाब से वो कैरेक्टरिस्टिक क्या देगा तो ड्वार्फ प्लांट. तो अब तक हमने यही पढ़ा हुआ है कि कोई भी जीन है उसके पास उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के थ्रू वो कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करता है. क्लियर. ओके, नाउ द टुडेस टॉपिक सिंगल जीन. मतलब एक ही जीन है लेकिन वो एक से ज़्यादा इफेक्ट देता है. यहाँ तक हमने देखा है कि वो पर्टिकुलर अपनी खुद की एक ही इफेक्ट देता है लेकिन आज की थ्योरी में हम जो समझने वाले हैं तो वो समझना ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है ओकेजनली ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिंगल जीन है वो एक से ज़्यादा विच प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. ओके, देखो जनरली एग्जाम्पल्स वी कैन कंपेयर दिस टू सिचुएशन
here there are mainly two effects of one gene. Which gene? Capital B, that is dominant, and small b, that is recessive. Means B and B both are allele of one gene. एक ही जीन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं. मतलब सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, दिस वन एंड दिस वन. क्लियर? ओके. नाउ व्हेन होमोजाइगस डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, होमोजाइगोट, ये है होमोजाइगोट डोमिनेंट, देन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर हैविंग मोर एक्टिव एंड बिकॉज ऑफ द हायर एक्टिव, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रैन्यूल्स. Means if capital B means homozygous dominant gene is present, then the characteristic is large size starch granules, or the product is large size starch granule formation. Clear? Same way, if small b means homozygous recessive gene is present, then due to the less activation, why less activation? Because of the recessive characteristic. So due to the less activity or less activation, formation of small sized starch granules. Clear? Here is the formation of large size starch granules and here is the formation of small sized starch granules. Clear? Okay. Now, same way, after the maturation of seeds, if homozygous dominant gene is present, same way, agar seed mature ho jata hai, uske baad उसमें कैपिटल बी दैट मीन्स कि होमोजाइगस डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है, देन द शेप ऑफ सीड इज राउंड. कौन सा शेप मिलता है उसका? राउंड शेप. एंड आफ्टर मैच्युरेशन इफ रिसेसिव होमोजाइगस जीन इज प्रेजेंट, देन व्हाट हैपन? If homozygous recessive gene is present, then the shape of seed is wrinkled. Clear? Okay. मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जीन एक ही है. कौन से? तो पर्टिकुलर जीन हैविंग टू एलेल्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इन विच कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी. क्लियर? इफ वी स्टडी अबाउट द शेप ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स इन पी सीड्स में जो स्टार्च ग्रैन्यूल फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टार्च ग्रैन्यूल की साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जब कैपिटल बी दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट जीन जब प्रेजेंट है, तब क्या है? तो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस कैरेक्टर द एक्टिविटी इज हायर, सो द साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल इज लार्ज. मतलब कि अगर कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है, तो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रैन्यूल्स पी सीड्स में देखने को मिलता है. क्लियर?
ओके, जब स्मॉल बी दैट मींस कि जो होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, देन वो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल फॉर्म करेंगे। क्लियर? अब यही जीन है, एक ही जीन है, उसकी दूसरी इफेक्ट अगर देखें तो वो दूसरी इफेक्ट किसके ऊपर देता है कि अगर सीड मैच्योर हो जाए उसके बाद सीड का जो शेप फॉर्म होता है वो भी यही जीन कंट्रोल करता है। तो अगर मैच्योरेशन के बाद कैपिटल बी दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, देन द शेप ऑफ द सीड इज राउंड, एंड इफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीन स्मॉल बी इज प्रेजेंट, देन द शेप ऑफ सीड इज रिंकल्ड। ओके, क्लियर? मीन्स वन जीन हैविंग टू डिफरेंट इफेक्ट, मीन्स वन जीन हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि एक ही जीन के पास स्टार्च ग्रैन्यूल साइज की भी इंफॉर्मेशन है और शेप ऑफ सीड आफ्टर मैच्यूरेशन उसकी भी इंफॉर्मेशन है। मतलब एक ही जीन ग्रैन्यूल जो है स्टार्च के उसकी साइज को भी कंट्रोल करता है, और वही जीन मैच्यूरेशन होता है सीड का उसके बाद वो सीड के शेप की, मतलब कौन सा शेप होगा उसकी इफेक्ट जो उसको भी वो कंट्रोल करेगा। तो एज द टॉपिक सिंगल जीन एंड मोर देन वन इफेक्ट, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? ओके, अब ये तो हो गई जब वो होमोजाइगस कंडीशन में थे तब उसकी बात। लेकिन ऐसा भी होता है कि ध्यान से ये पॉइंट समझना, कैपिटल बी स्मॉल बी इज प्रेजेंट, ये कौन सी कंडीशन हो गई? हिट्रोजाइगस। व्हाई हिट्रोजाइगस? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। इफ हिट्रोजाइगस कंडीशन अराइज इन केस ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल साइज, मतलब कि जब पी सीड में स्टार्च ग्रेन्यूल के साइज में जब हिट्रोजाइगस जीन्स प्रेजेंट होते हैं तब हमें नाइदर लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड नॉर स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड, बट वी गेट इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्यूल्स। यहां क्या होता है? इन केस ऑफ द शेप ऑफ सीड आफ्टर मैच्यूरेशन इफ हिट्रोजाइगस जीन इज प्रेजेंट देन व्हाट इज द रिजल्ट? द शेप ऑफ सीड इज राउंड। हियर देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन हिट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ जीन। क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना। देखो पहले हम ये देखते हैं कि जब कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है, मतलब कि हिट्रोजाइगस है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, हमें प्रोडक्ट कैसे मिले? प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट में मिलता है शेप, वो तो प्रोडक्ट जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, मतलब कि सीड का जो शेप है वो कैसा मिला हमें? राउंड शेप। ये राउंड हमें कब मिल सकता है? जब ये कंप्लीटली डोमिनेंट है इसके ऊपर, तभी। पढ़ा हुआ है ना हमने कि हमें प्रोडक्ट डोमिनेंट कब मिलेगी? व्हेन वन जीन इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, मीन्स हियर कैपिटल बी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, उसकी वजह से हमें किसकी इफेक्ट देख, ये कंप्लीट है इसकी वजह से वो स्मॉल बी की इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, और उसकी वजह से हमें किसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी? डोमिनेंट की। और डोमिनेंट की इफेक्ट कौन सी है? राउंड कलर शेप, सॉरी राउंड शेप सीड्स। क्लियर? तो इन केस ऑफ शेप ऑफ सीड दिस हिट्रोजाइगस कंडीशन शोज कंप्लीट डोमिनेंस।
dominance because capital B is completely dominant over the small b, and that's why the effect of capital B is seen and the small b is remain stable in presence of capital B. Capital B ki presence mein small b अपनी इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. व्हाई? बिकॉज कैपिटल बी कंप्लीटली उसके ऊपर डोमिनेंट है. तो इन केस ऑफ द शेप ऑफ सीड, दिस कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इफ वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, देन द सिचुएशन इज नोन एज कंप्लीटली डोमिनेंट इफेक्ट. बट इन केस ऑफ दिस, इफ वी कंसिडर starch granule size in P seed, then what happen? If capital B and small b means dominant and recessive both are present, then here neither large size granules are formed nor small size granules are formed, but we can get intermediate size. ये कब मिलेगा? जब दोनों में से कोई भी completely एक दूसरे पे dominant नहीं होगा. ये किसका example है? जो हमने वो red और white flower में पढ़ा हुआ है वही है. जैसे कि हमने देखा था कि red और white flower का crossing करवाया गया था, तब क्या हुआ था? तो हमें red completely white के ऊपर dominant नहीं होने की वजह से हमें F1 progeny में रेड भी नहीं मिला था, वाइट भी नहीं मिला था, लेकिन क्या मिला था हमें? पिंक कलर. व्हाई? बिकॉज कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर. सेम सिचुएशन इन दिस कंडीशन, कैपिटल बी इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी. मतलब कि यहाँ कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. क्लियर? और वो कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होने की वजह से इसकी इफेक्ट को डिमिनिश, मतलब कि स्टॉप नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से हमें दोनों की कैसे इफेक्ट देखने को मिलती है? मिक्स्ड इफेक्ट. और उसकी वजह से दोनों के मिक्स में क्या आएगा? लार्ज भी नहीं और स्मॉल भी नहीं, बीच की, मतलब कि मीडियम साइज, इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन्यूल्स फॉर्म्ड. क्लियर? मतलब दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मतलब एक ही जीन दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है. मतलब कि अगर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जीन जो है वो स्टार्च ग्रेन्यूल साइज जो है पी सेड्स के, अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मतलब इस केस में कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. अगर मैच्युरेशन के बाद हम शेप ऑफ सीड की बात कर रहे हैं और तभी हम कैपिटल बी और स्मॉल बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन दिस gives or this represent the complete dominance. समझ में आ रहा है? जीन एक ही है लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी कंडीशन में वो कंप्लीट डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आया? मतलब कि डोमिनेंसी किसके ऊपर डिपेंड है. तो ये ध्यान से सुनना, डोमिनेंस इज नॉट पर्टिकुलरली डिपेंड ऑनली इंफॉर्मेशन ऑफ जीन. मतलब कि कोई भी जीन की अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, तो इंफॉर्मेशन पे ही वो पर्टिकुलरली डोमिनेंट ही है वो नहीं कह सकते. तो यहाँ वो डोमिनेंट है वो किसके बेस से पर्टिकुलरली डिसाइड किया जाता है? तो ध्यान से सुनो, when more than one characteristics are produced by single gene. मतलब कि जब एक से ज़्यादा इफेक्ट एक ही जीन प्रोड्यूस करेगा, तब उसका जो डोमिनेंस है, मतलब कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट, तो वो किसके बेस से डिसाइड होगा? तो द डोमिनेंस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन
its phenotypic characteristics. Clear? देखो, ये हमें कैसे पता चला कि ये वाला incomplete है on their phenotypic characteristics. Phenotypic characteristics मतलब कि लार्ज साइज, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट साइज. हमें पता ही है कि इंटरमीडिएट साइज कब मिलेगा, जबकि दोनों में से कोई भी एक के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा कंप्लीटली, तभी हमें ये बीच वाला मतलब कि इंटरमीडिएट साइज ग्रैन्यूल्स मिलेगा. समझ में आया? तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. तो वो जो डोमिनेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के ऊपर, या फिर उसकी जो प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट में हमें जो फॉर्म मिलता है वो उसको प्रोडक्ट बोल सकते हो, फिनोटाइप भी बोल सकते हो. क्लियर? तो यहाँ जब सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट देता है तब डोमिनेंट जो है उस मतलब कि जो डोमिनेंस है वो जीन की इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसाइड नहीं होता है, लेकिन किस मतलब देखो इंफॉर्मेशन तो उसके पास इसकी भी है और इसकी भी है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन से तो ये पता नहीं चलने वाला कि ये कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है. तो किसके बेस से हमें पता चला, तो इसकी ये जो कैरेक्टर्स आए, इसकी ये जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देखे हमने, उसके बेस से. तो व्हेन सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट देन द डोमिनेंस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर? यहाँ भी ऐसा ही, ये फिनोटाइपिक राउंड रिंकल्ड एंड राउंड, तो ये कंप्लीटली डोमिनेंट से वो कैसे पता चला, इसके फिनोटाइपिक के बेस पे. कैसे? तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ राउंड कोई मीडिएटर मतलब कि कोई मिक्स इफेक्ट नहीं मिली, यहाँ हमें डोमिनेंट इफेक्ट ही देखने को मिले. समझ में आया? तो व्हेन हमें यहाँ कंक्लूजन क्या लिखना है, तो लिखना है कि इन केस ऑफ मोर देन वन, इन केस सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, द डोमिनेंस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर? समझ में आया कि जब एक ही जीन एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब उसका जो डोमिनेंस नेचर है वो पर्टिकुलरली उसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. वो जनरली डिपेंड करता है पर्टिकुलरली उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे. क्लियर? ओके, समझ में आया? तो ये एक सेपरेट सा टॉपिक था कि जिसमें कई बार हमें दिया है कि ओकेजनली ऐसा होता है कि सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. पर्टिकुलरली हमने यहाँ तक जितनी भी थियोरी पढ़ी उसमें ऐसा ही पढ़ा हुआ है कि वो जो मैंने सबसे पहले बताया वो कि कोई पर्टिकुलर जीन है, उसकी अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपने कैरेक्टर्स, वो अपने फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है. समझ में आया? लेकिन ओकेजनली ऐसा होता है कि एक ही जीन है और उसकी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है, और ज़्यादा इफेक्ट में ऐसा भी होता है कि वही जीन इन सम केस कंप्लीट डोमिनेंट बिहेव करता है और वही जीन इन सम केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसे बिहेव करता है. तो ये जो डोमिनेंस है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो पर्टिकुलरली किसके ऊपर डिपेंडिंग है, नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ जीन बट पर्टिकुलरली डिपेंडिंग अपॉन द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रोडक्ट ऑफ जीन. मतलब कि ये जो प्रोडक्ट मिली हमें लास्ट में उसके ऊपर, या फिर इसकी जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है उसके ऊपर वो डिपेंड है, नहीं कि जीन की इंफॉर्मेशन. क्लियर? ओके, फिर भी एक बार ध्यान से सुन लेना कोई पॉइंट, अगर लास्ट पॉइंट में अगर आपको कोई क्वेरी है, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि ये उसके बेस से मैंने आपको समझाया कि डोमिनेंस नेचर जो है जीन का कब, जब एक ही जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तब की बात है, तब वो डोमिनेंट नेचर जो है वो जीन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे. कब? व्हेन सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. क्लियर?
फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। जैसे मोनोहाइब्रिड पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था कि मेंडल ने एक समय पे एक ही कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था। कौन सा कैरेक्टर था वो? द हाइट ऑफ द स्टेम, ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, मतलब कोई एक ही कैरेक्टर था, हाइट ऑफ द स्टेम। बट यहाँ डायहाइब्रिड, नेम से ही पता चलेगा, डाई दैट मीन्स टू। जब मेंडल ने एक साथ दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया तो उसको उसने एक्सपेरिमेंट क्या बोल दिया? डायहाइब्रिड। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी, डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्रॉसिंग बताया और हमें उसके बेस पे कौन से F1 और कौन से F2 प्रोजेनी मिली वो समझाया था। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ओके। और यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पूरे पूरा वीडियो देखो, पढ़ो, जब भी स्कूल ओपन होगा तब कंपलसरी ये 2 times होमवर्क भी चेक किया जाएगा। एंड ये जितनी भी थियोरी आपको पढ़ाई हुई है वो सारी थियोरी आपको क्लास में पूछी जाएगी, लिखवाई जाएगी। तो यहाँ तक जितने वीडियो में जितनी भी थियोरी आपको पढ़ा रहे वो आप कंप्लीटली लर्न करो। कोई क्वेरी हो तो पूछो एंड रफ नोटबुक में 2 times लिखो भी। क्लियर? ओके, थैंक यू।